नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। चीन एक ऐसा देश है जिसकी करनी और कथनी में हमेशा अंतर रहा है। चाहे बात जबरन अधिकार जमाने की हो या आतंकवाद पर दोहरे रवैये की, चीन हमेशा दोगली भाषा बोलता आया है और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करता आया है। पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकी ट्रेनिंग को चीन ने हमेशा झुठलाया है। वहीं भारत के द्वारा पाकिस्तान से आए आतंकियों को कई बार सबूत पेश किए जाने के बावजूद भी उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कभी भारत का साथ नहीं दिया। नकाब पहनकर दुनिया को मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाने वाले चीन पर आरोप है कि उसने मध्य एशियाई देशों के साथ लगती सीमा पर स्थित शिनजियांग प्रांत में 10 लाख से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों को नज़रबंद शिविरों में जबरन बंद कर रखा है, जिसमें से ज़्यादातर उइगर मुस्लिम हैं। दरअसल चीन उन सभी पर अपनी विचारधारा और दमनकारी नीति थोपना चाहता है। उसके अड़ियल रवैये पर पश्चिमी देश समेत पूरा विश्व उसकी नीतियों की कड़ी आलोचना कर रहा है। दबाव पड़ने के बाद चीन ने एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें उसने कहा कि इन शिविरों के जरिए मुस्लिम युवाओं को चीन की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उनको स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार पाने लायक बनाया जा रहा है। चीन का तर्क है कि इससे आतंकवाद में भी कमी आई है। आज विशेष में हम बात करेंगे चीन की शिनजियांग प्रांत के हालात की और जानेंगे श्वेत पत्र की मुख्य बातों को। इसके साथ ही बात करेंगे चीन के शिनजियांग प्रांत की समस्या के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। शिनजियांग में नज़रबंदी शिविरों में उइगर मुसलमानों को हिरासत में रखने की वजह से दुनिया भर में चीन की निंदा हो रही है। हर तरफ हो रही अपनी आलोचना को देखकर चीन ने एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें उसने अपना बचाव किया है। हालांकि चीन दशकों से शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करता आया है, लेकिन चीन दुनिया के सामने हमेशा इस बात को नकारता रहा है। ताज़ा मामला लाखों उइगर मुसलमानों को नज़रबंद बनाने से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा देश जिसके कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। चीन का आतंकवाद के प्रति दोगला रवैया भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसा इसलिए कि चीन जहां पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर को आतंकी नहीं मानता, वहीं अपने यहां के उइगर मुस्लिमों में उसे आतंकी दिखाई देते हैं। भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करते हुए वो संयुक्त सुरक्षा परिषद में अकेले चर्चा की मांग करता है और वही शिनजियांग को लेकर बयान जारी करता है कि वो क्षेत्र उसका अविभाज्य क्षेत्र है। हाल ही में चीन ने दावा किया है कि उसने हिंसाग्रस्त शिनजियांग प्रांत में 2014 से जारी कार्रवाई के तहत अब तक करीब 13,000 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान सूबे में सक्रिय सैकड़ों आतंकी संगठनों का सफाया भी किया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि लाखों उइगर मुसलमानों को चीन नजरबंद रखते हुए अपनी दमनकारी नीति लागू कर रहा है। अब क्या हो गया है, अब पहली कक्षा में ही उनको चाइनीज पढ़ना पड़ रही है और जो उनकी अपनी भाषा उइगर वो नहीं पढ़ाई जा रही है। तो एक तरफ से जो उनके कल्चर के ऊपर जो असॉल्ट हो रहा है, इससे लगता है कि ये उइगर देश एकदम पूरा ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पर उनके मौलवीज हैं या जहाँ पर उनके मस्जिद है, उनका जो जिस प्रकार से ये मस्जिदों में अपनी पूजा करते हैं उस प्रकार से अभी नहीं कर सकते हैं। ये इनको बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और यहाँ तक भी कि जो उनके मौलवीज हैं उनके साथ भी जो चीन कार्रवाई कर रहा है वो ऐसे बेइज्जती की तरह होती है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर पश्चिमी देशों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। जिनेवा में मानवाधिकार निगरानी संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने 22 पश्चिमी देशों की तरफ से चीन से अनुरोध किया कि वो उइगर मुस्लिमों की नज़रबंदी खत्म करे और मानवाधिकार नियम लागू करे। इस संबंध में मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट को भी एक पत्र लिखा गया और चीन को कानून और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को बनाए रखने की हिदायत दी गई।
इस चिट्ठी में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी उन 18 यूरोपीय देशों के साथ शामिल है जिन्होंने जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के साथ जुड़कर उइगर और अन्य मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ मनमानेपन को रोकने और धर्म की स्वतंत्रता की अनुमति देने की मांग की। तकरीबन 10 लाख लोग या उससे भी ज़्यादा जाके उन्होंने वहाँ से निकाल दिए गए हैं और इनको इंटर्नमेंट कैंप में रखा है। यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि जो औरतें हैं उनको तो फोर्सिबली स्टेरिलाइज किया जा रहा है, राइट, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं, टॉर्चर हो रहा है। एक तरफ से जिस प्रकार से ऑशविट्स के कैंप थे जो जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगाए हैं, या गुलाग कैंप थे जो स्टालिन ने अपने चलाए थे, इस प्रकार के मुझे लग रहा है ये कार्रवाई अभी चीन में हो रही है और इसको रोकना मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि 10 लाख से अधिक उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक चीन में नज़रबंदी शिविरों में रहते हैं जहाँ उन्हें राजनीतिक विचारधारा बदलने के लिए विवश किया जाता है। उइगर मुसलमानों की नज़रबंदी को लेकर अमेरिका भी चिंतित है। 2018 में अमेरिका ने इन इलाकों में पत्रकारों की पहुंच पर प्रतिबंध हटाने की मांग की थी। अमेरिका ने चीन से इन शिविरों को लेकर पारदर्शिता अपनाने, शिविरों में मनमाने ढंग से हिरासत में रखे गए लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग भी की थी। लाखों की तादाद में मुसलमानों को एक तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। आप देखिए, पाकिस्तान से कोई आवाज़ नहीं निकली, सऊदी अरेबिया से कोई आवाज़ नहीं निकली, कोई भी मुसलमान देश है जहाँ पर, जो इस्लामिक देश जिसको कहते हैं, किसी भी देश से कोई आवाज़ नहीं निकली। यहाँ पर आवाज़ कहाँ से निकल रही है? इंग्लैंड से निकल रही है, अमेरिका से निकल रही है, जो इस्लामिक नेशंस नहीं है। तो इस्लामिक नेशंस को भी इस प्रकार से दबाया गया है कि वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अब चीन को देखिए, चीन का रवैया देखो, जहाँ पर भी उस वो समझता है उसको फ़ायदा हो जाए वो बात उठाने की कोशिश करता है। जैसे अभी उसने कश्मीर का मुद्दा उठाया थोड़े दिन पहले। अभी कश्मीर का मुद्दा क्या है? कोई भी हिंदुस्तान में जो कश्मीर के लोग हैं उनको इंटर्नमेंट कैंप में नहीं रखा गया है। जो कानून बदली किए गए हैं वो उनकी भलाई के लिए किए गए हैं। तो जब इस प्रकार की बातें देखते हैं तो ये पाकिस्तान और चीन का जो नेक्सस है, ये मैं समझता हूँ वो इतना गहरा नेक्सस है कि चीन अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हालांकि चीन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को मानने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता है और उइगर मुस्लिमों को लेकर अपनी नीति में कोई बदलाव भी नहीं करना चाहता। दरअसल चीन पर आरोप है कि उसने भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और कई मध्य एशियाई देशों के साथ लगती सीमा पर शिनजियांग में नज़रबंदी शिविरों में 10 लाख लोगों को बंद कर रखा है जिसमें से ज्यादातर उइगर हैं। खबरें हैं कि चीन ने अलगाववादी पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक आंदोलन के हिंसक हमलों को नियंत्रित करने के प्रयास में ऐसा किया है। चीन अशांत शिनजियांग क्षेत्र और बीजिंग समेत देश के कई अन्य हिस्सों में कई हिंसक हमलों के लिए ETIM को जिम्मेदार ठहराता है। जो शिनजियांग रीजन है पश्चिम में चीन के, वहाँ पर उइगुर मुसलमान रहते हैं और वो बहुत अरसे से अपनी आज़ादी के लिए जंग कर रहे हैं। वहाँ पर एक जो मूवमेंट है जिसको चीन ने करार दिया है, जो वो टेररिस्ट मूवमेंट हैं, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वो वहाँ पर अपनी आज़ादी के लिए जंग कर रहे हैं, परंतु चीन उनके ऊपर दबाव डाल रहा है। अब पिछले एक साल से ऊपर कुछ जो हुआ है, उन्होंने ये बहुत सारे ऐसे जो मुस्लिम हैं वहाँ पर, चाहे वो विगुर हो या फिर उस क्षेत्र में रहते हों या कुछ किर्गिस्तान के भी हैं और कजाकिस्तान के भी हैं, उन लोगों को उन्होंने लेकर किसी कंसंट्रेशन कैंप में जैसे डाल दिया है। चारों तरफ से बंद है और वहां पर उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है। चीन अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारता रहा है। चीन के प्रवक्ताओं ने हमेशा शिनजियांग के मसले पर दुनिया की चिंताओं को नकारते हुए प्रशिक्षण केंद्र को जरूरी बताया है। मैं खास तौर पर जोर देकर उन देशों को कहना चाहूंगी जिन्होंने शिनजियांग को लेकर चीन की नीतियों की आलोचना की है। पश्चिम के देश 600 करोड़ की जनसंख्या के साथ विकसित देश हैं, जिनमें ना ही कोई मुस्लिम देश है और ना ही वो विकासशील देश हैं।
लेकिन जो देश चीन का समर्थन करते हैं वो 50 से ज्यादा देश एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के हैं, जिनकी संख्या मिलाकर 2 अरब से भी ज्यादा है। और इनमें भी वो 28 देश हैं जो इस्लामिक समूह के सदस्य हैं। ये साबित करता है कि कौन गलत है और कौन न्याय के साथ खड़ा है। वैश्विक समुदाय के साथ एक भद्दा मजाक करते हुए चीन ने सोमवार को एक श्वेत पत्र के जरिए उइगर मुस्लिमों के प्रति अपनाई जा रही नीति को सही करार दिया है। इसमें चीन ने साफ कर दिया है कि उइगर मुस्लिम बहुल शिनजियांग में आतंकी खतरों से निपटने के लिए और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। श्वेत पत्र के अनुसार साल 2014 से शिनजियांग में जारी दहशतगर्दी विरोधी कार्रवाई के दौरान 1588 आतंकी गिरोहों को खत्म किया गया है। शिनजियांग में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण शीर्षक वाले दूसरे आधिकारिक श्वेत पत्र में चीन ने कहा है कि शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने के बाद करीब 3 साल से शिनजियांग में कोई आतंकी घटना नहीं हुई है और समाज में कुल मिलाकर स्थिति स्थिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन ने शिनजियांग पर दुनिया की चिंता को दूर करने के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें उसने शिनजियांग प्रांत में अपनी गतिविधियों की जानकारी दी है। श्वेत पत्र में 1990 के दशक की आतंकवादी घटनाओं का जिक्र करते हुए भारत सहित उन देशों का नाम भी डाला गया है जिन्होंने आतंकवाद का दंश ठेला है। हालांकि आतंकवाद से प्रभावित देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। चीन के श्वेत पत्र में इस बात का उल्लेख है कि आतंकवाद की वजह से शिनजियांग में 1990 से 2016 के बीच अलगाववादियों और धार्मिक कट्टरपंथियों ने सिर उठाया है, जिसमें बमबारी से लेकर लूट और दंगे की घटनाएं भी शामिल हैं। शिनजियांग प्रांत पर अपने रुख को लेकर पूरी दुनिया में आलोचना झेल रहे चीन ने अपनी सफाई में शिनजियांग पर एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र में 6 अध्याय हैं, जिसमें शिनजियांग के कैंपों में दिए जा रहे प्रशिक्षण के अलावा उनके नतीजों का भी लेखा जोखा है। पूरे श्वेत पत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे शिनजियांग के कैंपों में चलाए गए शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने मुस्लिम युवाओं को चीन की मुख्य धारा से जुड़ने में मदद की है। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सिलेबस इस तरीके से बनाया गया है कि वो आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता से दूर होकर आधुनिक शिक्षा ग्रहण करें और रोजगार पाने के लायक बने। श्वेत पत्र में कहा गया है कि शिनजियांग प्रांत में बने कई ऐसे कैंपों में सबसे जरूरी है चीनी भाषा लिखने और बोलने का प्रशिक्षण। इसके लिए स्थानीय भाषा और चीनी भाषा के अच्छे शिक्षक रखे गए हैं। इसके बाद उन्हें चीनी भाषा में उपलब्ध साहित्य और तकनीक से जुड़ी किताबें दी जाती हैं। पाठ्यक्रम में विज्ञान और तकनीक की शिक्षा का खास तौर पर प्रावधान किया गया है। श्वेत पत्र में चीन की तरफ से बताया गया है कि शिविरों में रखे गए लोगों को पढ़ाई के दौरान चीन के अन्य समूहों के बारे में जानकारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि शिनजियांग के मुस्लिम समुदाय के अलावा देश के अन्य लोगों और उनकी संस्कृति और इतिहास के बारे में भी वो जान सके। कोशिश ये है कि वो सीमित जानकारी की स्थिति से बाहर निकलकर पूरे चीन के विस्तार को समझें। इस वाइट पेपर में चीन ने कहा है कि वो किस प्रकार से ये कैंप्स को रन कर रहा है और किस प्रकार से कैंप्स को चला रहा है, और वहाँ पर एक चीज़ उन्होंने कही है कि ये री एजुकेशन कैंप्स हैं। बेसिकली वो बता रहा है कि हमने यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं वो तो, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स तो कोई है नहीं उधर जो देखने के लिए ये किस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है। मैं मानता हूँ ट्रेनिंग हो सकता है ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग किस चीज़ की दे रहे हैं, राइट? रिलीजियस फ्रीडम तो उन्होंने बंद कर दिया है और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस है उधर, कि वो अपनी बातें कह नहीं सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो वाइट पेपर है इसको इस प्रकार से हम कभी इसको हम वो इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं जो चीन चाहता है कि हम उसको दें, और जब तक ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स वहाँ पर जाके हालात खुद ना देख लें तो ये वाइट पेपर मैं समझता हूँ ये कोई मतलब नहीं रखता है। शिविरों में रखे गए लोगों को प्रशिक्षण के दौरान चीन के कानूनों के बारे में बताया जाता है, ताकि वो ये न कहें कि वो जो भी कर रहे थे उसके पीछे चीन के कानून के प्रति अज्ञानता थी। उन्हें चीन के विवाह कानून सहित महिलाओं और बच्चों के अधिकार के बारे में भी बताया जाता है। श्रम अधिकार और आपराधिक कानून के बारे में भी उन्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती है। उइगर स्वायत्त क्षेत्र, आतंकवाद के खिलाफ कानून,
और धार्मिक मामलों के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाती है। इसमें उनके अधिकार और कर्तव्य दोनों शामिल होते हैं। रोजगार के प्रशिक्षण कैंप की गतिविधियों के खास पहलू हैं। स्थानीय मांग के मुताबिक उन्हें खास तौर पर परिधान बनाने, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने, प्रिंटिंग और टाइप सेटिंग, सौंदर्य प्रसाधन, ई कॉमर्स, ऑटो मरम्मत, पशुपालन और पेंटिंग और आम जीवन से संबंधित सभी गतिविधियों से जुड़े रोजगार के अवसरों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां तक कि उन्हें गीत, संगीत और नृत्य का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो चीन के अन्य जगहों की फैक्ट्रियों में भी काम करने लायक बन पाए। श्वेत पत्र में एक जो सबसे अहम बात चीन ने रखी है वो ये है, जो हम आतंकवाद के साथ लड़ रहे हैं, ये वाले जो लोग हैं जिनको हमने यहाँ पर शिक्षा के लिए यहाँ पर दाखिल किया है, उनका हम पूरी तरीके से ख्याल रख रहे हैं, उनको पूरी तरीके से शिक्षा के हम प्रबंध कर रहे हैं और इनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हो रहा है। परंतु क्योंकि ये आतंकी बन सकते हैं तो इसीलिए इनकी मानसिक सोच विचार को बदलने के लिए हम यहाँ पर ये वाला काम कर रहे हैं। तो इसीलिए किसी दुनिया को तो हमें हमारा वो हमें बधाई देनी चाहिए, मुबारक देनी चाहिए, जो हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया में आतंकवाद इतनी तेजी से फैल रहा है तो हम उसको दबाने में हम काम कर रहे हैं। श्वेत पत्र में दावा किया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में प्रशिक्षुओं के अंदर एक अच्छा जीवन जीने का सपना जगता है और फिर वो उसे पाने के लिए यत्न करते हैं। चीन का दावा है कि वो प्रशिक्षुओं के धार्मिक विचारों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। उन्हें प्रशिक्षण के दौरान बीच बीच में घर जाने की छूट होती है ताकि उनके घर के लोग निश्चिंत रह सकें। चीन का ये भी दावा है कि इन प्रयासों की वजह से पिछले 3 सालों में कोई आतंकवादी घटना नहीं घटी है। इसके साथ ही वो लोग अपने देश और कर्तव्यों के बारे में जागरूक हुए हैं। चीन के मुताबिक शिनजियांग में आए इन परिवर्तनों की वजह से 2018 में करीब 15 करोड़ पर्यटक वहां गए हैं। इनमें 26 लाख विदेशी पर्यटक हैं, जबकि जनवरी से जून के बीच करीब 7.6 करोड़ पर्यटक जा चुके हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में काफी समय से उइगर मुस्लिम समुदायों के लोग रहते आए हैं। इस क्षेत्र में उनकी तादाद काफी ज्यादा है। लंबे समय से इस इलाके में रहने वाले उइगर समुदाय के लोग आर्थिक और राजनीतिक स्वायत्तता की मांग करते आए हैं, जबकि चीन सरकार उन पर इस्लामी कट्टरपंथी और आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाकर उनका दमन करती आई है। प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के भंडार होने के बावजूद उइगर समुदाय के लोगों को चीन द्वारा लगातार उपेक्षित किया गया है। आइए जानते हैं कौन है उइगर और चीन के साथ उनके तनाव की वजह क्या है। चीन के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ने वाले शिनजियांग प्रांत में बड़ी संख्या में इस्लाम को मानने वाले उइगर समुदाय के लोग रहते हैं, जहां इनकी आबादी करीब 1 करोड़ से ज्यादा है। इस प्रांत की सीमा मंगोलिया और रूस समेत 8 देशों के साथ लगती है। दरअसल उइगर मुसलमान एक तुर्क जातीय समूह है। इतिहास के मुताबिक उइगर पूर्वी और मध्य एशिया के इलाकों में रहते आए हैं। इस्लाम उइगरों के जीवन और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी भाषा तुर्की से संबंधित है और वो खुद को सांस्कृतिक और जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब मानते हैं। दरअसल आज का शिनजियांग साल 1949 से पहले पूर्वी तुर्किस्तान था। 1949 में इसे एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रही और उसी साल चीन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया, ठीक उसी तरह जैसे चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। चीनी कब्जे के विरोध में तभी से शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चला रहे हैं, जिसका मकसद चीन से अलग होना है। साल 1990 में जब तत्कालीन सोवियत संघ का पतन हुआ, तब इस क्षेत्र के लोगों ने भी खुद को आजाद कराने के लिए काफी प्रयास किए। उस वक्त इस आंदोलन को मध्य एशिया के कई मुस्लिम देशों ने भी समर्थन दिया था, लेकिन चीन के कड़े रुख और दमनकारी नीति के आगे किसी की ना चली।
चीन हमेशा से ये आरोप लगाता रहा है कि शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम चीन से अलग होने की मांग के तहत ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चला रहे हैं और इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। शुरुआत तो इसकी हुई 1949 में, जब चीन ने इसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इससे पहले क्या होता था कि ज़्यादा करके ये जो ईस्ट तुर्किस्तान है ये रूस के इन्फ्लुएंस में होता था, लेकिन तकरीबन ये आज़ाद देश था। जैसे कि रूस की इन्फ्लुएंस वहाँ से घट गई और 1949 में चीन वहाँ पर आ गई, तो रूस ने, क्योंकि उस समय पर रूस सोवियत यूनियन होता था, तो सोवियत यूनियन ने उस टाइम पर चीन को सपोर्ट किया क्योंकि वो भी एक कम्युनिस्ट देश था। तो वो समझ रहे थे कि कम्युनिस्ट देश है और पूरे इस इलाके को हम, वो जो ओवरऑल जो दुनिया में कम्युनिज्म लाना चाहते हैं, वो उस सोच में उन्होंने जाके चीन वहाँ पर जाके उसने 1949 में कब्ज़ा कर लिया। एक बार जब चीन ने कब्ज़ा कर लिया तो वहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं, ऑयल एंड गैस भी है, तो बेसिकली चीन वहाँ पर जा रहा है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। चीन ने शिनजियांग प्रांत पर कब्जे के बाद न केवल उइगर समुदाय के लोगों पर दमन और अत्याचार शुरू कर दिया, बल्कि बड़ी संख्या में चीनी समुदाय के हान लोगों को यहां बसाना भी शुरू कर दिया। यही वजह है कि बीते कुछ समय के दौरान इस क्षेत्र में हान चीनियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से संस्कृति टकराव और हिंसा की घटनाएं लगातार होती रही हैं। साल 2008 शिनजियांग की राजधानी उरुमची में हुई हिंसा में 200 लोग मारे गए। इसके बाद 2009 में उरुमची में ही हुए दंगों में 156 उइगर मुस्लिम मारे गए थे। उस समय तुर्की ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए इसे एक बड़े नरसंहार की संज्ञा दी थी। 2010 में भी कई हिंसक झड़पें हुईं। वही 2012 में 6 लोगों को हाटन से उरुमची जा रहे एयरक्राफ्ट को हाईजैक करने की कोशिश के चलते गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसमें उइगरों का हाथ बताया। साल 2013 में प्रदर्शन कर रहे 27 उइगरों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई। अक्टूबर 2016 में बीजिंग में एक कार बम धमाके में 5 लोग मारे गए, जिसका आरोप उइगरों पर लगा। दरअसल ऐसे सैकड़ों मामले तो चीन दबा देता है जो मीडिया के सामने आ ही नहीं पाते। तब से ये अपना आज़ादी की मांग कर रहे हैं, परंतु चीन के कब्जे में ये रहा है हिस्सा और हमेशा चीन से बिल्कुल ही अलग रहा है। चाहे अगर आप इसको देखिए संस्कृति की ओर से, कल्चर की तरफ से, इनकी जो रिलीजन है, वेशभूषा है, भाषा है, खाने का है, सभी कुछ एकदम अलग है जो कि चीन के लोग हैं, परंतु फिर भी क्योंकि ये हिस्सा चीन के आधिपत्य में है तो इसीलिए चीन उसके ऊपर कब्जा किए हुए है और वहाँ पर इतना ज़्यादा बिल्कुल डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है और उनका सोच विचार का ढंग पूरा वो बदलना चाहता है। ये बहुत ही बड़ा इलाका है, जैसे ईस्ट तुर्किस्तान बहुत बहुत बड़ा इलाका है ये, लेकिन पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत कम है। तो ये समझना कि वो चीन खाली जगह पे चला गया वो बात नहीं थी, वहाँ पर लोग रह रहे थे, वो स्थानीय लोग थे और वो हज़ारों सालों से वहीं पर रह रहे हैं। तो उसके बाद जाके 1955 में जब चीन ने ईस्ट तुर्किस्तान का नाम भी बदली कर दिया और उइगर ऑटोनोमस रीजन का नाम उसको दे दिया है, और उसके बाद जाके हान जो है, जो चीनी है, वहाँ पर धीरे धीरे सेटल होने शुरू हो गया। वहाँ पर उन्होंने ट्रेन लाइन बिल्कुल वहाँ तक, वहाँ से आगे कर दी, और जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई तो सेटलर्स भी बढ़ते गए, जहाँ तक कि अभी तक 80 लाख लोग मेरे ख्याल से हान जो है वहाँ पर सेटल हो चुके हैं। चीन ने उइगर मुस्लिमों के साथ काफी दमनकारी और भेदभाव पूर्ण नीतियों को अपना रखा है। शिनजियांग प्रांत में रहने वाले हान चीनियों को मजबूत करने के लिए चीनी सरकार हर संभव मदद देती है, यहाँ तक कि इस क्षेत्र की नौकरियों में उन्हें ऊंचे पदों पर बिठाया जाता है और उइगरों को दोयम दर्जे की नौकरियाँ दी जाती हैं। उइगर मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता पर भी चीन सरकार ने अंकुश लगा रखा है। साल 2014 में शिनजियांग की सरकार ने रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों के रोजा रखने और मुस्लिम नागरिकों के दाढ़ी बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी थी। 2014 में ही चीन सरकार के सख्त आदेशों के बाद यहां की कई मस्जिदें और मदरसे गिरा दिए गए। इसके समर्थन में चीन लगातार ये तर्क देता रहा है कि धार्मिक गतिविधियां देश के कानून के तहत होनी चाहिए, जबकि अन्य देशों के लिए उसका नजरिया इसके बिल्कुल उलट होता है। देखिए, दो चीजें चीन ने की है। अगर आपने किसी को कंट्रोल करना है तो
तो सबसे पहले उसकी भाषा के ऊपर कंट्रोल करो। तो ये तो चीन ने शुरू कर दिया था कि वहाँ पर जो भाषा जो सिखलाई होगी स्कूलों में वो तो चीनी भाषा में होगी, तो जो उइगर की जो अपनी भाषा है वो ख़त्म हो गई। दूसरी बात, जो उनके लोकल जो फंक्शन होते थे या इतवार होते थे, जैसे हम यहाँ पर दिवाली मनाते हैं या जन्माष्टमी मनाते हैं, तो वो जहाँ पर जो भी वो अपने फेस्टिवल्स वहाँ पर मनाते थे वहाँ पर वो रोक लगाई गई और जो चीन के फेस्टिवल हैं वो फिर वहाँ पर आ गए, वो सेलिब्रेट होने लगे। बेसिकली जो भी पाबंदी वो लगाना चाहते थे उन्होंने मस्जिदों में लगा दी। चीन लगातार शिनजियांग प्रांत में दमन की नीति अपनाए हुए है और इसके लिए उइगरों के संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को दोषी ठहराता है। उसका कहना है कि इस हिंसा के लिए विदेशों में बैठे उइगर नेता जिम्मेदार हैं, जबकि उइगर नेता और उनके संगठन चीन के सभी आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हैं। हिंसा और भेदभाव पूर्ण नीति के लिए वो पूरी तरह से चीन सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका आरोप है कि चीन ने उइगर समुदाय के लोगों का मौलिक अधिकार भी छीन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।